हेलो एंड वेलकम बैक। आज का टॉपिक है पोएम द सनशाइन कैट बाय कमला दास। कमला दास, इनका बर्थ हुआ था 31 मार्च 1934 को केरला में और उनकी डेथ हुई थी 31 मई 2009 पुणे में। कमला दास अपने एक पेन नेम से बहुत ज़्यादा पहले फेमस थी, माधवी कुट्टी, और उसके बाद वो अपने मैरिड नेम से फेमस हुई कमला दास। ओके, पोएम स्टार्ट करते हैं। दे डिड दिस टू हर द मैन हु नो हर। अब हर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वुमेन है, और वुमेन यहाँ पे विक्टिम है क्योंकि उन्होंने उसके साथ क्या किया, मैन ने उसके साथ क्या किया, तो इस वजह से जो वुमेन है यहाँ पे वो विक्टिम है। और ये विक्टिम ये उन मैन से है जो उनको जानते थे, मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट की है वो उन मैन ने की है जो उस वुमेन को जानते थे, कोई अनजान आदमी नहीं थे। द मैन शी लव्ड हु लव्ड हर नॉट इनफ बींग सेल्फिश एंड अ कावर्ड। जिस मैन से इस वुमेन ने प्यार किया उस मैन ने इस वुमेन से इनफ प्यार नहीं किया, और वो आदमी कायर और स्वार्थी था। द हस्बैंड हु नाइदर लव्ड और यूज्ड हर। जो मैन है, ये जो आदमी है, किस आदमी के बारे में बात हो रही है? जो वुमेन है उसके हस्बैंड के बारे में बात हो रही है। ये जो हस्बैंड है, ना ही उसने कभी उसको प्यार किया और ना ही कभी यूज किया। यूज मीन्स इन इमोशनली कभी उसको यूज़ नहीं किया। बट वॉज अ रूथलेस वॉचर एंड द बैंड ऑफ सिनिक्स शी टर्न टू। रूथलेस मीन्स क्रूर, और सिनिक्स मतलब वो पीपल होते हैं जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, जो सिर्फ अपना काम के लिए ही किसी को फेवर करते हैं। ये जो हस्बैंड था वुमेन का, वो क्रूर वॉचर था। क्या वॉच करता था? कि जो वुमेन है वो किसी और से मिलती है कि नहीं, उसके और किसी के साथ रिश्ते हैं कि नहीं, वो सिर्फ इन सब बातों पर ही ध्यान देता था। और उसके हस्बैंड के प्यार ना करने की वजह से उसने जब दूसरे लोगों की तरफ देखा, तो वो जो दूसरे लोग थे जिसकी तरफ उसने उम्मीद की, प्यार की, तो वो लोग भी ऐसे थे जो सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे थे। क्लिंगिंग टू देयर चेस्टस वेयर न्यू हेयर स्प्राउटेड लाइक अ ग्रेट विंग मॉस। अब देयर मीन्स आपके उसके हस्बैंड के अलावा भी उसके और लोगों के साथ रिलेशनशिप थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे। उसके हस्बैंड का बिहेवियर उससे अच्छा ना होने के वजह से उसके बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने लगे, और जो लोग उसको मिले वो लोग भी ऐसे ही थे जो सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे थे। मॉस क्या है? वो पतंगे हैं, बड़े पंखों वाले पतंगे, ग्रेट विंग मॉस। न्यू हेयर से मतलब हो सकता है यंग लड़के, जो वो लड़के थे जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था वुमेन का, वो लड़के इस वुमेन के कंपैरिजन में एज उनकी कम थी। बरोइंग हर फेस इन टू देयर स्मेस एंड देयर यंग लस्टस टू फॉरगेट। बरोइंग मीन्स बिल खोदना, जैसे कुछ जो जानवर होते हैं बिल खोद के अंदर रहते हैं बिल में, वैसे। अब जो वुमेन है वो अपने आप को, अपने फेस को उनमें छुपा लेती, छुपाने से मतलब उनमें इमोशनली इन्वेस्ट होना चाहती है, पर उसको ये बात पता है कि ये जो लड़के हैं ये उससे प्यार नहीं करते। इन लोगों के बीच में, वुमेन और उन लड़कों के बीच में सिर्फ लस्ट है, पर वो ये सब चीजें भूल जाना चाहती है, अपने आप को सांत्वना देना चाहती है कि उन लोगों के बीच में प्यार भी है। टू फॉरगेट, ओह टू फॉरगेट, एंड दे सेड ईच ऑफ देम, आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज नॉट इन माई नेचर टू लव, बट आई कैन बी काइंड टू यू। वो वुमेन ये सब चीजें भूल जाना चाहती है। जितने भी लड़के थे उन सब ने इनसे, वुमेन से यही कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं प्यार कर भी नहीं सकता। लड़कों ने वुमेन से कहा ये हमारे नेचर में नहीं है प्यार करना, बट हम तुम्हारे साथ काइंड हो सकते हैं, हम तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर सकते हैं, पर हम तुमसे प्यार नहीं कर सकते। दे लेट हर स्लाइड फ्रॉम पैक्स ऑफ सैनिटी इन टू अ बेड मेड सॉफ्ट विद टीयर्स एंड शी ले देयर वीपिंग। अब इन सब वजहों से जो वुमेन है वो स्थिर से अस्थिर हो जा रही है, मतलब सीधे सीधे लैंग्वेज में बोलूं तो पागल होती जा रही है। वो पूरा टाइम रोती रहती है, और जो उसका बेड है उसके आंसुओं से वो गीला हो गया और वो बेड सॉफ्ट हो गया उसके रोने से, बस वहां पे वो लेटी रहती है और रोती रहती है। फॉर स्लीप हैड लॉस्ट इट्स यूज, आई शैल बिल्ड वॉज विद टीयर्स शी सेड वॉज टू शट मी इन। अब उसको नींद तो आती नहीं है, वो बस वो रोती रहती है, और वो सोचती है कि वो रो रो के आंसुओं की दीवार बना लेगी और उसी में रहेगी, मतलब एक तरीके से मर जाएगी। हर हस्बैंड शट हर इन एवरी मॉर्निंग, लॉक्ड हर इन अ रूम ऑफ बुक्स। अब जो उसका हस्बैंड है, अब उसको ये सब बातें पता चल गई हैं उसके अफेयर्स के बारे में, उसकी वाइफ के अफेयर्स के बारे में उसको सब पता चल गया। तो वो जो हस्बैंड है उसको कहीं जाने से पहले वो उसको लॉक करके जाता है रूम में, बुक्स के रूम में। मतलब जो वुमेन है अब उसको इंटेलेक्चुअल चीज़ों से मतलब नहीं है, उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। विथ अ स्ट्रीक ऑफ सनशाइन लाइंग नियर द डोर लाइक अ येलो कैट टू कीप हर कंपनी, बट सून विंटर केम एंड वन डे वाइल लॉकिंग हर इन। अब जब वो उसको रूम में लॉक कर देता है तो उसको कंपनी के लिए कुछ नहीं मिलता। एक तो बुक्स होती है, बट बुक्स में वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो जो सनशाइन होती है, जो धूप वगैरह थोड़ी दरवाजे से आती है,
तो वही उसकी कंपेनियन है जो, तो वही जो उसकी शेडो बनती है, जो लाइट आ रही है या कुछ इल्यूमिनेशन होता है तो उसको एक येलो कैट की तरह लगती है, वही उसकी कंपेनियन है, वही उसके साथ पूरे टाइम रहती है। पूरे टाइम मतलब जब तक सन रहेगा, जब तक सनशाइन रहेगी तब तक ही वो कैट बनेगी, उसके बाद जब सन चला गया तो शेडो किस चीज़ की बनेगी। पर अब है कि विंटर आ गया है, तो विंटर में उतनी तो रोशनी आती नहीं सूरज की, तो वही उसका हस्बैंड एक बार उसको लॉक कर रहा होता तो क्या देखता है, ही नोटिस दैट द कैट ऑफ सनशाइन वॉज ओनली अ लाइन, हाफ थिन लाइन, एंड इन द इवनिंग वेन ही रिटर्न टू टेक हर आउट शी वॉज अ कोल्ड एंड हाफ डेड वुमेन, नाउ ऑफ नो यूज एट ऑल टू मैन। वो क्या देखता है कि जो सनशाइन से जो कैट बनती है वो बस वो पतली रेखा हो गई, पतली सी लाइन हो गई है, बहुत छोटी सी कि जो ना के बराबर है। और जब शाम को वो घर आता है तो क्या देखता है, जो उसकी वाइफ है वो कोल्ड है, हाफ डेड वुमेन है, और अब आदमियों के वो किसी काम की नहीं, मतलब वो अब अधमरी हो चुकी है, वो अंदर से मर चुकी है, अब उसमें किसी भी तरीके की कोई खुशी रह नहीं गई है। ओके, तो पोएम यहीं पे कंप्लीट हो गई। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।